मंझबे पंचायत के मंझबे गांव में रविदास टोला में एक आंगनबाड़ी है जहां आंगनबाड़ी का भवन नहीं है। आंगनबाड़ी भवन नहीं रहने के कारण वहां की सेविका बबीता चौरसिया को पढ़ाई करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी भवन नहीं रहने से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 40 बच्चा को बैठने में भी प्रॉब्लम होता है। बरसात में बारिश होती है तो बच्चा सबको बहुत तकलीफ होता है बैठने में। यहाँ पर पोषाहार बनाने में दिक्कत होता है। ऐसे बारिश नहीं होती है तो यहाँ बाहर में बनता है। बारिश होने की वजह से किसी अगल बगल में दूसरे के घर में बनाना पड़ता है, उससे बहुत परेशानी होती है। आप कब से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं? हम 2007 से। तो ये समस्या आपके साथ कब से हो रहा है? 2007 से ही है। केंद्र भवन तो मेरा लगभग 2.5 साल पहले यहाँ बनने के लिए शुरू हुआ था बगल में, और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी ढलाई भी नहीं हुआ। आपका बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है? आंगनबाड़ी। वहाँ भवन है नहीं, तो इससे आपको क्या क्या समस्या होता है? पानी पीने में दिक्कत, शौचालय में दिक्कत, पानी पड़ता पड़ा है, बारिश सुबह है, बच्चा भीग जाए, कॉपी किताब तबीयत खराब हो जाए, बच्चों भीग जाए। आंगनबाड़ी भवन है क्या? भवन रहने से तो दिक्कतें नहीं रहता। भवन तो कब आधा खा गया आधा का हुआ। भवन बनाने और शौचालय में भी तकलीफ है, बच्चा को जाने आने में भी तकलीफ है, लेट्री के भी तकलीफ है। हाँ, भले पानी है कल भले। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? स्कूल चाहते हैं। तो मुखिया जी से बात किए हैं, क्या बताया गया? मुखिया जी तो बोल रहा है बनेगा बनेगा बनेगा, कब बनेगा कोई ठिकाना नहीं। तो इसके लिए अभी तक आप आवेदन कहीं किए हैं क्या? हाँ, ऑफिस में मीटिंग में बराबर अपना CDPO मैडम को बताते हैं। एक बार DM साहब का मीटिंग हुआ था तो उनको बताए थे, तो वो भी लिखे थे, बोले थे जल्दी पूरा हो जाएगा, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बस। ये भवन आपका पर्सनल है, आंगनबाड़ी है, या भाड़ा पर ले चलाते हैं? भाड़ा पर चलाते हैं। कितने पैसा देते हैं इसको महीने में? अभी तो 200 रुपया दे रहे हैं, और हम लोग को तो 2 साल से भाड़ा भी नहीं मिला है। ये आंगनबाड़ी किनका है? ये आंगनबाड़ी मालिक का नाम है दीपदास। तो आप 2 साल से भाड़ा कहाँ से दे रहे हैं जो आपको नहीं मिला है? तो हम अपना घर से दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा केंद्र भवन जल्दी बन जाए, ताकि मेरा बच्चा को भी सुविधा न हो और हमको भी परेशानी न हो। सेविका सहायिका को वहाँ पे जो भी सामान है सारा सामान भी रखा जाएगा। यहाँ पे कुछ रखने में भी नहीं बनता है, वहाँ पोषाहार भी बनेगा, जो भी हम लोग को है अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे भी। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को आंगनबाड़ी भवन की जो समस्या है, वहाँ पे लोगों को आंगनबाड़ी भवन मिल जाए। वीडियो देखने वाले मेरे सारे साथियों से अपील है कि जम्मू जिला के CDPO श्री बसु का मोबाइल नंबर 9431005586 पर कॉल कर दबाव बनाएं और इस समस्या को दूर करने में हमारा मदद करें। मैं अशोक पासवान, ग्राम लखापुर, जिला जमुई, बिहार से इंडियन हट के लिए।